हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। आप लोग हमारी वीडियोस तो देखते रहते हैं, लेकिन आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हम लोग बाहर कैंपिंग के लिए जाते थे, लेकिन हमारे पास खाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती थी हमें, क्योंकि बाहर का खाना हम लोग इतना ज़्यादा खा नहीं पाते, और कई बार ऐसा होता था कि होटल वगैरह लेने में भी दिक्कत होती थी। तो हमने अपनी जो गाड़ी है उसी को कैंपर वैन में कन्वर्ट करवा लिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने अपनी गाड़ी में क्या क्या काम करवाया है और उसको किस तरीके से कैंपर वैन में कन्वर्ट किया है। अब हम आपको अपनी कैंपर वैन का डेमो देते हैं। लेट्स स्टार्ट द डेमो। ये खुल गया हमारा जादू का पिटारा। अब जब ये बंद पड़ी है गाड़ी तो कुछ पता नहीं चलता कि हमने कन्वर्ट किया है कुछ इसमें या नहीं किया। बिल्कुल एज इट इज डिक्की में आ जाता है सब कुछ। इसमें एक हमारा बेड भी है 6 फुट का, किचन भी है, ड्रॉर्स भी हैं, सामान रखने का पूरा है इसके अंदर। हमने ये चेयर्स भी रखी हुई है, पहले इनको ही आउट कर लें हम। ये टेबल है, अभी बाद में लगाएंगे इनको, अभी आउट करके रख लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको ये एक बेडशीट में लपेट के रखा हुआ है ताकि आवाज़ ना आए। ये टेबल टॉप है हमारा, निशान भी नहीं पड़ते ना। ये चेयर्स हैं दो, दो चेयर्स आ गई हैं। ऊपर एक ड्रॉर है, ये देखिए सब कुछ पड़ा है इसके अंदर। ये हमारा चकला बेलना है, ये पैक पड़ा हुआ है चकला बेलना। ये 4 प्लेटें हैं हमारी खाना खाने वाली, 4 जने इजीली इसमें खाना खा सकते हैं। ये पूरा हमने पेपर क्लॉथ में लपेट के पूरा कटलरी रखा हुआ है, स्पून चम्मच वगैरह सब कुछ कट, ये पूरा इसके अंदर रखा हुआ है। ये चाय पोनी है सब, ये इजीली ऑपरेट हो जाता है, इसको यूज कर दिया जाए। अब इसके बाद नीचे है 2 ड्रॉर, ये खुल गया हमारा गैस, और ये गैस के पीछे ही हमारे ये मसाले पड़े हुए हैं, मसाले रखने की जगह। ये देखिए, ये सारे मसाले पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देखो, ये खुला हुआ है हमारा ड्रॉर, ये गैस है, इसमें एक ग्लूटोन वाला सिलेंडर लगा हुआ है इसके अंदर। इसको इसके अंदर ही लाइटर है, इससे एकदम से ये प्रेस करते हैं और ये जल जाता है गैस इससे। ये मसाले रखे हुए हैं, ये दाल का है डिब्बा एक, और बाकी दालें इधर रखी हुई हैं। एक ड्रॉर और है, ये इसके अंदर पीछे, इसको इधर करो, एक ये और बन गया एक्सटेंशन, और ये सिंक लग गया यहाँ पर, सिंक तैयार हो गया। ये फर्स्ट क्लास। इसमें हम अपनी वेजिटेबल्स वगैरह धो सकते हैं। ये एक एक चूल्हा और रखा हुआ है इसके अंदर, ये है, ये यहाँ पर रख के दूसरा चूल्हा भी जल जाता है। ये ग्लूटोन का सिलेंडर पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये दालें हैं, ये दालें आगे भी हमने एक बॉक्स में रखी हुई है, सब सामान आगे भी रखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर, खाने का पूरा सामान रखा हुआ है हमने। लेकिन ये किचन सेटअप पूरा बहुत बढ़िया सा हो जाता है। ये इसके अंदर अभी हमारा वो भी लग जाता है टैप, ये हमने टैप ले रखा है जो चार्जेबल है, इसको यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसकी नॉब भी थी इसके अंदर, ये ऐसे नॉब लग जाती है, ये टैप बन गया, इसको यहाँ लगा दिया। अभी हमारा सिंक का सेटअप तैयार हो गया, इसको यहाँ से बंद करना तो यूं बंद हो जाएगा। यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने हैं, कुछ सब्जी धोनी है, बर्तन धोना है, कुछ कोई भी चीज धोनी है तो यहाँ से खड़े होकर आराम से वॉश करो और इसको यहाँ से बंद कर दो। इजी टू यूज है, बहुत अच्छी अच्छी कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल गई अब। तो यहाँ इतना स्पेस है यहाँ यूज करने के लिए, ऊपर पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे है हमारे पास। ये देखो, ये ड्रॉर अगर आपने कुछ निकालना है तो ये खुल भी जाएगी इसके बाद। बहुत ही बढ़िया बन गया है, हमें तो एक दो बार हमने इसमें कुकिंग की है, अभी स्टार्टअप किया है इसका थोड़ा, हमने सोचा एक बार डेमो दे दें अपने ऑडियंस को। और ये देखो, यहाँ पे हमारे पास काफी स्पेस है इधर नीचे, इसके अंदर ये ग्लास और ये सब चीजें रखी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे बर्तन पड़े हुए हैं,
ये आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत बर्तन है इसके अंदर हमारे। ये देखिए ये तीन पतीलों का सेट है, ये छोटा बड़ा ये सब, ऊपर बहुत स्पेस है हमारे पास यूज करने के लिए। ये कढ़ाई रखी हुई है सब्जी वगैरह बनानी हो। कुकर भी है, कुकर हमने आगे रख दिया क्योंकि उसका हैंडल थोड़ा लॉन्ग होता है ना, उसको रखने में दिक्कत होती है। वैसे भी इतना ज़्यादा यूज़ उसको हम थोड़ा करते नहीं है, इसलिए जो चीज़ें कम यूज़ होती हैं उन्हें हमने आगे रखा हुआ है। यहाँ पर वही चीज़ें रखे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये हमारा पूरा किचन बन गया है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं। मसाले लेने हैं यहीं के यहीं यूज़ हो जाएंगे। चाय पत्ती है, ये चीनी पड़ी है यहाँ पर। ये डिस्पोजेबल ग्लासेस भी रखे हुए, अगर धोने का मूड ना हो तो इनसे कर लो। चाय पत्ती, चीनी, ये कुछ दालें यहाँ रखी हैं, बाकी हमारे पास 10-12 दालें हैं जो आगे रखी हुई हैं हमने। इस तरफ से आके लो जरा, ये यहाँ पे हमारा ऑयल और वो पड़ा हुआ है, इधर से ये स्पेस है हमारा, हमने इसमें अपना घी और तेल वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। ये स्पेस है, बॉटल रखी हुई है यहाँ पर। ये हमारा इसमें घी रखा हुआ, बहुत अच्छा सा ये है बर्तन, घी है इसमें। देसी घी के पराठे वगैरह कुछ भी खाना हो तो हमें, क्योंकि पंजाबी लोगों का पराठे खाने का तो बहुत शौक होता है, हमें कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं। फुल फ्लैज किचन हमारे यहाँ रेडी हो गई है, फुल फ्लैज। सबसे बड़ी बात है कि रास्ते में कहीं पर भी रुक के हम लोग खाना बना सकते हैं, सब कुछ है इसमें। टैप लगा है, यहाँ से बटन पुश करते हैं तो ये चल जाता है। ये कुकिंग का सारा हो गया, और इसमें बहुत बड़ा एक सरप्राइज है, वो हम आपको दिखाते हैं अभी, कि इसके अंदर एक पूरा 6 फुट का बेड तैयार हो जाता है और हमें कुछ भी किसी भी सीट को या कुछ भी रेनोवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अल्ट्रेशन नहीं किया उसके अंदर हमने, और इतना बढ़िया बन गया ये बेड। अभी आपको देखने से नहीं लग रहा होगा, इसमें इसी के अंदर 6 फुट का एक बेड है, फोल्डेबल है, उसमें 4 फोल्ड है। अभी हमारा यहाँ पर ये बेड है 6 फीट का, इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम दिया है कि ये सीटों को हमने कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं किया है इसके अंदर। इन सीटों को हम फोल्ड करते हैं, दोनों, एक 60 होती है, एक 40 फोल्ड होती है, ये दोनों पूरी फोल्ड होके उसके बाद ये फ्लैप हैं इसके, ऐसे ही खुलते चले जाएंगे 4 फ्लैप, और उसके अंदर एक हम एक इसी के सीट के पीछे एक रखी हुई है स्टिक, वो बीच में डालेंगे तो ये नीचे को झुकता नहीं है बेड, फिर ये स्टेबल रहेगा, वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा। अभी आपको दिखाते हैं हम कैसे सोने में बिल्कुल इजी रहे। हम आपको बेड अपना लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा बेड जो है वो लगता है। कुछ नहीं करना हमने, ये हमारा आगे दालें वगैरह पड़ी हुई है सारी, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, कुछ भी हमें इसमें करना नहीं, इतना इजी है ऑपरेट करने के लिए। ये सीट यूं फोल्ड की हमने, दूसरी सीट यूं फोल्ड हुई, ये दो सपोर्ट हैं बेड के नीचे लगाने के लिए, ये दो स्टिक्स हो रहे हैं जो साइड में घुसती है, वो नीचे की सपोर्ट है, ये बस ये लगाना है हमें। हाँ, और ये साइड सपोर्ट है और वो जो है नीचे वाली आगे की साइड सपोर्ट करेगी। आगे वाली सीट थोड़ी सी आगे हो जाएंगी इस तरीके से, ये झुक जाएंगी ऐसे, ये इस तरीके से हो गई। ये देखिए एक ये ऐसे, ये आ गया प्रॉपर सपोर्ट, ऐसे ही दूसरी तरफ सपोर्ट लग जाएगी, हो गया है बेड। हाँ, अब वो वाली जो साइड स्टिक दी हुई है ना, ये देखिए ऐसे ये साइड स्टिक इसके बीच में चली जाएगी ताकि ये लिफे ना, लिफे ना मींस कि ये झुके ना, स्टेबल रहे। ये देखिए ये स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल हो गया। हाँ, अब इसके ऊपर बेडिंग भी कर ही देते हैं। ये इस तरीके के हमने दो गद्दे लिए हुए हैं, ये देखिए अब हमारी बिछेगी इसके ऊपर चादर, चढ़ के भी देख लो एक बारी, बिल्कुल भी सीटों को छेड़ने की जरूरत नहीं होती इसमें। ये देखो आराम से मैडम लेटी हुई है। और कभी हमने इसको उतारना हो तो इसमें लट्स दिए हुए हैं, ये पूरा का पूरा वो निकल भी जाता है बॉक्स, आराम से लेटने की पूरी जगह, 6 फुट का बेड है पूरा ये। अभी देखो पीछे स्पेस बचा हुआ है लेग्स के बाद, 5.5 फुट की हाइट है इनकी, अभी भी 6 इंच से ज़्यादा स्पेस बचा है, फुल हाइट इसमें कवर हो रही है। अब करते हैं बेड को बंद, रिमूव करो इनको, ये हमने कर दी रिमूव, इसके नीचे स्पेस बना हुआ है,
पूरा जाएगा, बस ये थोड़ा इसको इतना करना, यू 8 फोल्ड जाता है फिर ये इसको इधर से उठाना फिर ये दूसरा फोल्ड ये अब गया राइट। ये हो गया हमारा बेड भी पैक हो गया। अभी हमने बटन पुश किया जो काम पूरा बड़े चूल्हे जितना करता है ये पूरा। आप ये देख लो गैस बर्नर है ये फुल जितना कि घर में होता है। ये ऐसे इसकी लेग्स भी खुल जाती है नीचे से थोड़ा स्पेस देने के लिए, नीचे से स्पेस ताकि इसमें। और ये एक और ये लॉक देखना इसके साथ यूं लगा कर और ये लॉक में यूं रख के एक बार यूं घुमाना है बस। बस इसके अंदर ही इनबिल्ट लाइटर भी होता है ये, इधर से गैस ऊपर करके ये गैस जल गई है इस समय। अब आपको दिख नहीं रही है धूप में क्योंकि धूप बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा फ्लेम नहीं नजर आ रहा, फ्लेम नजर नहीं आ रहा। बस ये ऐसे एक चूल्हा, एक वहाँ खाना बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ सारा सामान है हमारा स्टोरेज का। और बहुत बढ़िया सा सेटअप हो गया यहाँ पे, बेड भी हो गया, बेड खुल जाता है, एक दो मिनट लगते हैं बेड को खोलने में। और यहाँ भी हमारा बहुत कैंपिंग का सामान रखा हो, एक इस दिन आपको अलग से दिखाएंगे हम अलग वीडियो में कि क्या क्या सामान हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत सामान हमने कैंपिंग का रखा हुआ, टेंट है 3 पर्सन का, स्टिक्स वगैरह, लाइट्स, कैंपिंग लाइट्स वगैरह सब रखा हुआ है हमने। ये आज तो हमने आपको ये गाड़ी का एक डेमो देना था तो वो दिखाया आपको, एक और वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैंपिंग से रिलेटेड क्या क्या सामान आप रख सकते हैं अपने पास और कहाँ से लेते हैं सब कुछ उसमें बताएंगे। अब लगी है हमें भूख और हम करते हैं लंच की तैयारी। सब्जी कट गई है, प्याज वगैरह सब काट दिया मैंने, बस अब गैस जलाते हैं। 5-7 मिनट लगेंगे जितनी देर। आसपास का इतना बढ़िया है, फॉरेस्ट लैंड है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत व्यू है आसपास ये चीड़ के पेड़ों के बीच में। इसमें डल गया लहसुन, अदरक और ये चला गया प्याज इसमें। ये बेड के साथ साथ ना प्लेटफॉर्म का काम भी करता है, बेड का जो ऊपर का पोर्शन है इसको हम प्लेटफॉर्म की तरह यूज भी कर लेते हैं। ये डल गया टमाटर, काटा था इसको धो लेते हैं। मसाला भून के हो गया रेडी और इसमें शलगम भी जा चुके हैं। अब पानी डालो, अब इसमें थोड़ा पानी डालो और आ जाए 2 विसल। बस 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 लाओ, अब मैं इससे आटा गूंथ लूं। ये गूंद रहा आटा ताजा, आटा हमेशा फ्रेश यूज करना चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि अपनी लाइफ को जीना छोड़ दो, लाइफ को एंजॉय करोगे तो लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी। और अगर सोचोगे कि अब क्या करना, रिटायर हो गए, अब हमारे पास कोई काम नहीं है, फिर जिंदगी नहीं निकल सकती, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कट रही है सलाद और हमने अपना सारा कूड़ा जो है इस थैली में रख लिया है। वो सीटी बज गई। चलो आज हमारे नए चकले का उद्घाटन भी हो गया इसलिए हमने लगवाया नहीं। देखो हमारी बढ़िया सी रोटी तैयार हो गई, मजेदार। और उसमें लगा लो घी, बढ़िया सा मज़ा आ जाता है रोटी का, डबल टेस्ट। ये डल गई है सब्जी, इसमें से ले लेना।
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मेरे को तो वैसे ही शलगम बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी गरम गरम उसी समय बने हुए हों तो। वाह समेट दें अपना किचन का, दो मिनट लगेंगे सिर्फ इसको सफा करके और इसमें दोबारा से भर्ती करना है। ये हो गया हमारा पूरा किचन पैक और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। रास्ते में जाते हुए हमें बहुत ही सुंदर हिमालयन पीक्स नजर आई जो कि बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई हैं। कैंपर वैन को कन्वर्ट कराने में कितना खर्चा आया और कहां से हमने इसको बनवाया, इसकी पूरा डिटेल हम आपको देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही कैंपिंग का क्या क्या सामान हमारे पास है और हमने उसको कहाँ से ख़रीदा, इसका डिटेल भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर अवर वीडियोज़। बाय बाय एंड टेक केयर।